इंडियन आइडल सीजन 12 के ऑडिशन और थिएटर राउंड के बाद शो के जजेज ने चुन लिए हैं देश भर के अलग अलग टॉप 15 टैलेंटेड कंटेस्टेंट। जी हां, यानी कि इंडियन आइडल का यह सीजन संगीत प्रेमियों का एंटरटेनमेंट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुका है। लेकिन दोस्तों, शो के ग्रैंड प्रीमियर से पहले ही छिड़ चुकी है नंबर 15 को लेकर बहस। जी हां, दरअसल शो में पहले 14 कंटेस्टेंट ही चुने जाने थे, लेकिन शो के जजेज ने कंटेस्टेंट निहाल तावरो को आगे बढ़ने का एक और मौका दिया और निहाल तावरो को टॉप 15 में सेलेक्ट कर लिया। पर दोस्तों, जजेज का यह फैसला उस वक्त भारी पड़ गया जब कंटेस्टेंट जेली काई तामिन को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। फैंस का मानना है कि जब टॉप 15 कंटेस्टेंट ही चुने जाने थे तो नंबर 15 पर निहाल तावरो को ही क्यों चुना गया, जेली तामिन को क्यों नहीं? निहाल तावरो ही जजेज की पहली चॉइस क्यों बने, जबकि जेली तामिन एक प्लेबैक सिंगर भी हैं? जी हाँ, वैसे दोस्तों आपको बता दें कि शो के ऑडिशन और थिएटर राउंड में कंटेस्टेंट जेली काई तामिन के परफॉर्मेंसेज ने खूब इम्प्रेस किया था और उनकी फीमेल वॉइस ने हैरान भी। वहीं कंटेस्टेंट निहाल तावरो की परफॉर्मेंस को मिला जुला ही रिएक्शन मिला था और अद्भुत टैलेंट तो सिर्फ जेली तामिन ने ही दिखाया। ऐसे में शो के जजेज ने नंबर 15 के लिए जेली को सिलेक्ट क्यों नहीं किया, निहाल तावरो पर इतनी मेहरबानी क्यों? शो के जजेज ने दोनों सिंगर्स के टैलेंट में क्या फर्क किया, ये समझ से परे है। वैसे दोस्तों, नंबर 15 के लिए निहाल तावरो और जेली काई तामिन में से आपका क्या सुझाव है? क्या जजेज का यह फैसला सही है? अपने जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताएं।